चाहूंगा कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, और जो आपका वे है एस्ट्रोलॉजी का, वो वे के बारे में बताइए कि क्या बेनिफिट होता है जनरली लोगों को या सेलिब्स कम्युनिटी को, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। ये जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत 2007-08 में हुई, जब मैं एयरफोर्स में खुद एक सार्जेंट के जॉब पे था और एक मेडिटेशन की प्रक्रिया में 10 साल से जुड़ा हुआ था, भगवान से विजडम की ब्लेसिंग मांग रहा था। जैसे मुझे पता लगा अपने टाइम में कि राइट ब्रदर्स साइकिल की दुकान पे काम करके वो हवाई जहाज बनाने की ब्लेसिंग भगवान ने उनको दे दी, तो मतलब पता लगा कि भगवान जब ब्लेसिंग देता है तो फिर बड़ा काम हो सकता है। तो मैंने मेरे को अचानक इसका जब ब्लेस हुआ तो मैं अपना सिग्नेचर बदला, और अपना सिग्नेचर बदल के मैं 2010 में एयरफोर्स से VRS लेके बाहर आया। और बाहर आते ही जब मैंने इस इंडस्ट्री में, मेरी जो सबसे बड़ी इच्छा थी मेरा, मैं क्रिकेट का बड़ा दीवाना रहा हूँ, कपिल देव मेरे सबसे बड़े भगवान थे क्रिकेट वर्ल्ड में, फिर सचिन जी रहे, और इस तरह मेरी जो एंट्री है वो क्रिकेटर्स में ईशांत शर्मा के साथ शुरू हुई, फिर हरभजन पाजी मेरे बड़े खास शिष्य बने, फिर केदार यादव, फिर कुछ क्लासे काफ़ी और क्रिकेटर्स ने ली है। लेकिन मैं चाहता हूँ जब वो अपना नाम क्रिकेटर्स, ये लोगों ने मीडिया में खुद बता रखा है, तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपका सिग्नेचर जो हम करते हैं अगर वो पॉजिटिव है तो आपकी लाइफ पॉजिटिव रहेगी, अगर वो नेगेटिव है तो आपकी लाइफ नेगेटिव रहेगी। ये सब पे असर करता है, सेलेब्स हो या आम आदमी हो, जिसने एक बार भी सिग्नेचर कर लिया, चाहे अमेरिका का हो, चाहे हिंदू है, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, इरेस्पेक्टिव एनी रिलीजन एनी स्टेट, इट इफेक्ट्स एवरीवन इन द यूनिवर्स। तो गुड लक सिग्नेचर और टफ लक सिग्नेचर, ये गुड लक सिग्नेचर किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है इंसान को, और टफ लक सिग्नेचर उसका कॉन्सेप्ट बताइए क्या है पर्टिकुलरली, अगर ये दोनों में डिफरेंस क्या है, किस तरह से इम्पैक्ट करता है उसके बारे में बताइए। गुड लक सिग्नेचर अगर इंसान का है तो सबसे अच्छी बात उसके साथ क्या होती है कि उसके जीवन में एक्सीडेंटल इंजुरी कभी नहीं आएगी। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है किसी कारणवश, लेकिन उसकी जो शरीर है वो दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगा, वो ना बम ब्लास्ट में ग्रस्त होगा, ना सुनामी में, ना किसी रोड एक्सीडेंट में। उसकी मतलब एक्सीडेंटल इंजुरी सेफ्टी पहले आती है, फिर मेडिकल सेफ्टी आती है, ना वो कोरोना में भी उसकी लाइफ जिंदा रही क्योंकि हमारे 8-10 लोगों को कोरोना हो चुका है, और ना उनको हार्ट अटैक से कोई, हमारा शिष्य आज तक 75 साल से पहले कोई, सभी लोग 70+ की लाइफ जी रहे हैं क्योंकि मैं 15 साल से ही काम कर रहा हूँ। तो गुड लक सिग्नेचर में जो हम काम करते हैं, जिस भी फील्ड में काम करते हैं, तो अगर हमारा गुड लक सिग्नेचर है तो क्या होता है, वो गुड लक सिग्नेचर हमें उस फील्ड का हीरो बना देता है, उस फील्ड में हमारे बेस्ट रिजल्ट ला के देता है, बेस्ट क्रेडिट दिलवाता है, बेस्ट फाइनेंस दिलवाता है। ये चीज़ें सबके साथ होती है, हर फील्ड में होती है। आप जी एक छोटे शहर में रह रहे हो या बहुत एक सेलिब्रिटी स्टेटस में रह रहे हो, अगर आपका गुड लक सिग्नेचर है तो आपकी ब्रांडिंग उतनी पावरफुल हो जाएगी, और नेगेटिव सिग्नेचर है तो आपकी लाइफ को भी अटैक कर जाता है, आपके कैरियर को अटैक कर जाता है, आपके रिलेशनशिप को खा जाता है, और आपके आपको रोड एक्सीडेंट में बिल्कुल कहते ना कि हल्के से एक्सीडेंट में ध्वस्त कर देता है, आपको बैंकरप्ट कर देता है, और आपको मतलब बिल्कुल हीरो से जीरो बना देता है। तो अगर नेगेटिव सिग्नेचर है तो या तो लाइफ आदमी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, और उसके गण बहुत मजबूत है, कुंडली बहुत मजबूत है, पहुंच भी गया जैसे माइकल जैक्सन पहुंचा, तो वो नेगेटिव सिग्नेचर ने उसकी जिंदगी को हताश कर दिया। आज हमारी सिंधु जी सुपर स्टार है, लेकिन उनका भी टफ लक सिग्नेचर था जो उनको अकस्मात एक एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। ऐसे इरफान खान जी हैं जिनके सिग्नेचर में टफ लक भरा पड़ा था, तो वो बहुत बड़े सेलेब बने, लेकिन टफ लक ने उनका काम कर दिया। अगर तो इस तरह गुड लक सिग्नेचर और टफ लक सिग्नेचर जीवन के लिए ऑक्सीजन की तरह है कि आप प्योर ऑक्सीजन लेते हैं, इम्प्योर ऑक्सीजन लेते हैं। तो वेज टू इम्प्रूव क्या है, टफ लक सिग्नेचर किसी का है, आपको मालूम है कि उसके लाइफ में प्रॉब्लम इश्यूज हो रहे हैं इस वजह से, तो उसको कैसे कन्वर्जन करते हैं, कैसे इम्प्रूव करते हैं उस चीज को? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जब हम किसी का नेगेटिव सिग्नेचर को पॉजिटिव बनाते तो हम उसको प्रभु की कृपा से जो सिग्नेचर मेरे हाथ से डिजाइन होता है, मेरे माइंड से जो डिजाइन होता है, वो जब वो व्यक्ति उसको रोजाना 100-200 बार रोजाना कॉपी में लिखता है, इस लिखने की प्रक्रिया को हम सिग्नेचर योग मेडिटेशन बोलते हैं, और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी सिग्नेचर योग मेडिटेशन के नाम से है। तो जब आप व्यक्ति सिग्नेचर योग मेडिटेशन करता है, जैसे कुछ सेलिब्रिटी ने मीडिया में बताया भी, उन्होंने 20 नोटबुक भरे, तो 20 नोटबुक कोई एक सिग्नेचर की प्रैक्टिस के लिए नहीं करता, वो सिग्नेचर योग मेडिटेशन में अलग अलग सिग्नेचर की प्रैक्टिस करके अपनी, जैसे विटामिन ABC होता है, ऐसे ही अलग अलग सिग्नेचर हमारी लाइफ को पॉजिटिव एनर्जी दे जाता है। तो बार बार एक गुड लक सिग्नेचर की प्रैक्टिस करने से, जैसे जिम में जाने के, मैं कहता हूँ समझाने के लिए, जिम में जाने से आपके डंबल बनते हैं, ऐसे सिग्नेचर योग लिखने से आपकी एस्ट्रोलॉजी के डंबल बन जाते हैं, और जब वो डंबल बन जाते हैं एस्ट्रोलॉजी के, तो नोटों के बंडल अपने आप घर में आ जाते हैं आपके काम से, काम के अनुसार, और कई बार आपके सपनों की सक्सेस भी आपको घर में आके मिलती है, जैसे कि मुझे मिली है। मैं क्या हूँ, मैं एक आम इंसान था सर, फौज में एक हवलदार, एक सार्जेंट की नौकरी करने वाला व्यक्ति, लेकिन जिसके सपनों में क्रिकेटर आते थे, जो क्रिकेट के पीछे दीवाना था,
सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी आई, मैंने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी अपने ऊपर इस्तेमाल की और पूरा क्रिकेट वर्ल्ड उस समय 2011 12 13 14 की नाम तो पूरा क्रिकेट वर्ल्ड जितने भी क्रिकेट स्टार हुआ करते उन दोनों दिनों में वो लगभग या तो मेरी बात को मान चुके थे या जो जो मेरी बात को नहीं माने अगर उनमें से मैंने किसी को वार्निंग दी तो उसके जीवन में वही हुआ जो मैंने बोला। और दिस इज व्हाट की मैं बहुत ब्लेस हूँ, मेरे को प्रभु ने बहुत आनंद दिया सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी से और जिन्होंने इस साइंस को फॉलो किया उनके जीवन में बहुत आनंद है। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट इंडिया में कितना आम लोगों कितना अवेयर है कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता है? क्यों आम लोग एस्ट्रोलॉजी समझते हैं कि भविष्यवाणी होती है, अंगूठी दिया जाता है कुछ उनको प्रभाव के लिए, लेकिन ये पर्टिकुलर जो आप वर्ड यूज कर रहे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी उसका अवेयरनेस कितना है सोसाइटी में हमारे लिए? सर उसके अवेयरनेस की बात करूँ आम आदमी छोड़िए खास आदमी को भी नहीं पता इसके बारे में। ये एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी अपने कह लीजिए कि अपने बचपन के भी बचपन में है, क्योंकि मैं काफी सेलेब से मिला हूँ तो व्यक्ति यही कहता है ये तो मैंने पहली बार सुना है कि ऐसा भी होता है। आम आदमी जो जिनको आप आम आदमी कहते हैं मेरे लिए तो दुनिया का हर व्यक्ति सेलिब्रेटी, जिनको ये दुनिया आम आदमी कहती है वो तो कहते ही कहते हैं, लेकिन जब भी मैं किसी पॉलिटिशियन से किसी क्रिकेटर से या किसी बॉलीवुड से मेरा इंटरेक्शन होता है या बिजनेसमैन से होता है तो ये कहते हैं ऐसा भी होता है। तब उनको फिर उनका सिग्नेचर देख के मैं उनकी पूरी लाइफ को बताता हूँ। सिग्नेचर जब मेरे सामने आता है तो प्रभु कृपा से जैसे कुंडली पढ़ते हैं ऐसे मैं सिग्नेचर उनकी लाइफ रीड कर देता हूँ। जब उनको विश्वास होता है और सिग्नेचर से जब लाइफ रीड कर दी, जैसे कई बहनों को मैंने सिग्नेचर से उनका महीना बताता हूँ कि आपका महीना कैसा चल रहा है, पेनफुल चल रहा है या पेन फ्री है आपकी लाइफ, तो एक सिग्नेचर से किसी महिला का पीरियड्स का जानना जब वो ये सुनती हैं तो उनको तब ऐसे ही कोई इंसान होता हो अगर वो उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो हम अच्छा ही सिग्नेचर में गुड लगे तो उसके बिजनेस को हम पॉजिटिव बताएंगे तो उसकी लाइफ पॉजिटिव मिलती है। तो जब सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का तो अभी कुछ भी नहीं पता किसी को नहीं पता, जो व्यक्ति रूबरू होता है मेरे सामने उसी को पता है। और इस हिंदुस्तान में सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के नाम पर जितने लोग भी बात कर रहे हैं मैं चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति मेरे से जूम टॉक कर सकता है, इंस्टाग्राम टॉक कर सकता है। लोगों को मिसगाइड ना करें, आपको सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी नहीं आती तो हाथ खड़ा कर दे, जबरदस्ती ना करें, क्योंकि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में एक टफ लक का पॉइंट है जिसका नाम है अंडरलाइन को लगाना। जिस भी व्यक्ति के सिग्नेचर में 40 डिग्री का एंगल है, कितने का, 40 का, 45 का, 50 का, अगर उसने अंडरलाइन बाद में लगा दी तो अपनी कुंडली के योग से, अपने किसी भी योग से वो व्यक्ति किसी भी पद पे चला जाए, लेकिन जब वो 40 साल के आसपास पहुंचेगा तो उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आएगा, या तो वो बैंकरप्ट हो जाएगा, उसके घर में कैंसर हो जाएगा, या उसको बिना बात जेल हो जाएगी। और ये अंडरलाइन का जो सिग्नेचर है, मैंने मनीष सिसोदिया जी के पीए को बहुत वार्निंग दी थी दिल्ली के मिनिस्टर को कि आपका इनका सिग्नेचर टफ लक में है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी सिग्नेचर, और आज उनकी बीवी भी बहुत सीरियस बीमार है और खुद भी राजनीतिक लफड़ों के कारण आज बेचारे जेल काट रहे हैं। मुझे तो नहीं पता वो सही कितना है गलत कितना है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी उनकी गलत थी तो उनको जीवन में संकट से गुजरना था। जेल होगी नहीं होगी ये तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी नहीं बता सकती, लेकिन सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ये जरूर बता सकती कि आने वाला जीवन आपका संकट में होगा या सुख में होगा। तो मैंने मनीष सिसोदिया जी को क्लियर कट वार्निंग कहा था, उसके पीए को कहा था कि ये क्लियर कट दुख में जीवन इनका आ रहा है, बचा लो बचा लो, तो उन्होंने नहीं बचाया। ऐसे आप बैड लक सिग्नेचर में देखेंगे तो अभी हमारी कंगना रनौत बहन जी को अब मैं क्या बोलूं, वो इतनी बड़ी स्टार है लेकिन कंट्रोवर्सी और उनकी परेशानियां तो जग जाहिर है, तो उनका सिग्नेचर भी हमारे लिए टफ लक में है। और फिर हमारी श्रीदेवी जी, फिर हमारे क्या कह लीजिए कि जब गुड लक की बात करेंगे तो सबसे बड़ा गुड लक सिग्नेचर तो आप क्या जाने उद्धव ठाकरे सर की सरकार क्यों चलेगी। पॉलिटिक्स में किसी की भी योजना, जीवन में किसी के साथ भी जब कोई आदमी घात लगा के हमला करता है, शेर घात लगा के हमला करेगा, आपने कितनी बार देखा है कि एक्सीडेंट हुआ, एक बंदे को कुछ भी चोट नहीं लगी, भयंकर एक्सीडेंट, कुछ भी चोट नहीं लगी, एक बंदे को जरा सा एक्सीडेंट, बड़ी चोट लगी, तो ये समझने वाला ये एस्ट्रोलॉजी का खेल है। अगर उसको चोट नहीं लगी तो उसकी एस्ट्रोलॉजी में सेफ्टी थी, और उसको चोट लग गई तो उसकी एस्ट्रोलॉजी में नेगेटिविटी थी। ऐसे ही पॉलिटिक्स का आदमी शिकार हो जाए, किसी भी व्यक्ति में आदमी की जब सत्ता जाती है तो नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी काम करती है। आज नरेंद्र मोदी अपने गुड लक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का खूब जम के आनंद ले रहे हैं, उनकी एस्ट्रोलॉजी बहुत पावरफुल है, नितिन गडकरी जी की पावरफुल है और योगी आदित्यनाथ की बहुत पावरफुल है, तो ये पावरफुल एस्ट्रोलॉजी के आनंद है। और उद्धव ठाकरे की जो सरकार है
उसके जाने के पीछे और पॉलिटिकल कारण तो हो सकते हैं, लेकिन एक उनका टफ लक सिग्नेचर में भी है जिसकी वजह से उनको आज ये परेशानी का सामना करना पड़ा कि सत्ता जो शिवसेना जैसी उनकी है ना, जागीर भी उनके हाथ से रेत की तरह जा रही है, तो ये टफ लक तो छोड़ता नहीं सर किसी को। आखिर मैं समझता हूँ कि स्कूल कॉलेज में कितना जरूरी होता है कि बच्चे या कॉलेज स्टूडेंट जाने एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ताकि उनको कोई भी चीज़ आगे कोई इशू होता है तो उसको फेस करने के लिए वो तैयार है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं तो खुद चाहता हूँ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का, जिसका टेक्निकल टर्म ग्राफोलॉजी है, इसको अगर हम स्कूलों में अगर इंप्लीमेंट कर दें एक पीरियड, जैसे हम स्पोर्ट्स का पढ़ाते हैं, अगर ग्राफोलॉजी एंड सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का अगर एक पीरियड पढ़ा दें, स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर मुझसे बात करें, उनके डायरेक्टर मुझसे बात करें, तो मैं करना चाहता हूं कि ताकि हमारे खासतौर पर युवाओं को यूनिवर्सिटी के अंदर गुड लक सिग्नेचर दे दें तो हमारे युवाओं के साथ, पहले तो गुड लक सिग्नेचर आदमी के माइंड को पॉजिटिव रखता है, आदमी के माइंड को फ्रस्ट्रेशन में संभालता है, और फिर उसके जो कर्म है उसके अनुसार आउटपुट देता है। आज हमारे बच्चे कोटा में सुसाइड कर रहे हैं, उस सुसाइड के पीछे रीजन क्या है? उस सुसाइड में सबसे पहला रीजन है कि उनके माँ बाप का सिग्नेचर जब गुड लक हो बैड लक में होता है तब भी बच्चे पे इफेक्ट करता है। तो अगर गुड लक सिग्नेचर कॉलेज स्कूल में चला जाए तो हमारे देश में हादसे होने बंद हो जाएंगे, हमारे युवा ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, और उन युवाओं को जब उनके कर्म के अनुसार प्रॉस्पर्टी शोहरत रिलेशनशिप मिलेगा तो वो समाज में रिलैक्स रहेंगे। रिलैक्स समाज हमेशा शांति का प्रतीक होता है, तो ये कॉलेज में अगर चली जाए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी तो मैंने बोला ना कि ये ना तो इसको सेलिब्रिटी वर्ल्ड जानता है, ना बॉलीवुड जानता है, ना क्रिकेट वर्ल्ड जानता है, और बस वही जानता है जिसके जिसके नज़दीक या तो हमारा कोई स्टूडेंट पहुँचता है या वो हमारे ये हमसे कॉन्टेक्ट करता है। थैंक यू।